उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के सैदन गली कस्बे में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के आगमन को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अफसर सतर्क हो गए हैं। डिप्टी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हेलीपैड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ भाजपाई भी उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी अभिषेक कौशिक के दादा की 13वीं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 1 मार्च की सुबह 10:50 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सरस्वती इंटर कॉलेज सैदन गली में उतरेगा। 11 बजे यहां से कार द्वारा वह 11:10 पे दयानंद इंटर कॉलेज सैदन गली पहुंचेंगे। 11:15 से 11:40 तक जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 12:40 को वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका कार्यक्रम मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। डिप्टी सीएम की सुरक्षा टीम सरस्वती इंटर कॉलेज पहुंच गई है। यहां पर उनसे सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा उस रास्ते को भी निरीक्षण किया जिससे होकर उप मुख्यमंत्री की फ्लीट निकलेंगे। बाहर के जिलों में भी 50 कांस्टेबलों की मांग की गई है। कई अधिकारी भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एक सेफ हाउस भी बनाया जा रहा है। 2 सेक्टरों में क्षेत्र को बांटा गया है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। माननीय दिनेश शर्मा जी जो हमारे यहाँ सैद नगली के माननीय अभिषेक जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ओएसडी हैं, उनके बाबा जी की डेथ 14 तारीख में हो गई थी, उसकी शोक सभा में आ रहे हैं और यहाँ सब इस जिले की जो है एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। अच्छा, कौन कौन अधिकारी यहाँ पर रहेंगे जिनके साथ में समीक्षा बैठक? ये मैं दोनों जो पूरे जिले के जो मुख्य अधिकारी हैं सभी रहेंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। तो माननीय दिनेश शर्मा जी के पास शिक्षा विभाग। कितने समय रुकने वाले हैं? वो लगभग यहाँ लगभग 2-3 घंटे रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कल अमरोहा आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा 10:50 पर अमरोहा जनपद में प्रस्थान करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। बता दें कि अमरोहा में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जिले के अधिकारियों के साथ में दयानंद इंटर कॉलेज में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन में खलबली भी मची हुई है। वहीं प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। बता दें कि समीक्षा बैठक के बाद में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी अभिषेक कौशिक के दादाजी की शोक सभा में सम्मिलित होंगे और वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.